हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी एबीएस कीजिए स्वागत है। दोस्तों, आज हम बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होने वाले रोगों को ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को मैं एक चुटकियों में याद कराऊंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो अपन दोस्तों बैक्टीरिया को याद करने के लिए बैटरी ध्यान में रखेंगे कि जब हमारे घरों में लाइट चली जाती है तो हम प्रकाश के लिए या अदर कामों के लिए अपन किसका सहारा लेते हैं, बैटरी का सहारा लेते हैं। तो आपको बैक्टीरिया को याद करने के लिए बैटरी को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही अपन लाइट चली जाती है तो अपन क्या बोलते हैं, जा। ये भी बैटरी से ही संबंधित है। जैसे दोस्तों मोबाइल की बैटरी समाप्त हो गई तो अपन मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या लगाते हैं, प्लग में लगाते हैं, अर्थात प्लग से क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। जैसे ही अपन बैटरी थोड़ा सा चार्ज होने लगती है या खत्म होने लगती है तो टी टे बोलती है, अर्थात बैटरी से क्या हो जाएगा, टिटनेस। और चार्ज होती है और उतरती है हमारी बैटरी तो टाई टाई बोलती है, तो बैटरी से क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइफाइड हो जाएगा। और लाइट तो चली ही गई है तो अपन टीवी भी किससे चलाएंगे, बैटरी से चलाएंगे, तो वह टीवी रोग भी क्या हो जाएगा, बैटरी से, यथार्थ बैक्टीरिया से। फिर जैसे अपन मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है, चार्ज करते करते मान लीजिए मोबाइल की बैटरी क्या हो गई, खराब हो गई, तो अपन बैटरी क्या कर देते हैं, कूट देते हैं, यथार्थ कुष्ठ रोग। और दोस्तों बैटरी में देखते हैं कि गहराई तक सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, अर्थात डिप्थ तक, डिप्थ का तात्पर्य भी क्या होता है, गहराई। तो ये भी बैक्टीरिया, डिप्थीरिया भी क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होने वाला रोग। दोस्तों मैं निश्चित आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। जैसे ही लाइट गोल हो जाती है तो अपन बोलते हैं लाइट जा, तो अपन बैटरी चार्ज करने के लिए प्लग का इस्तेमाल करते हैं, तो प्लग से क्या हो जाएगा, प्ले। और बैटरी जब चार्ज होती है या खत्म होने लगती है तो टीटी बोलती है, तो टिटनेस। खत्म होने की कार के रहती है तो टाई टाई, टाइफाइड। और लाइट तो गोल हो ही गई है तो अपन टीवी भी किससे देखते हैं, बैटरी से। और जब बैटरी खराब हो जाती है तो अपन कुछ नहीं करते, कूट देते हैं, अर्थात कुष्ठ रोग। अरे तो आप सब जानते हैं कि बैक्टीरिया में एक निश्चित गहराई तक सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। तो ये देखते हैं क्या है अपना पहला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग हैजा। हैजा दो जीवाणु, विब्रियो कोलेरी। किस जीवाणु के कारण हैजा होता है, तो विब्रियो कोलेरी। इसका वाहक है दोस्तों घरेलू मक्खी। आपको पहले तो ये नाम ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, और जब आपको ये नाम याद हो जाएं तो थोड़ा थोड़ा इनका डिटेल भी देखना है। तो हैजा रोग का जो जीवाणु है विब्रियो कोलेरी, इस जीवाणु का वाहक होती है घरेलू मक्खी, और इसके कारण प्रभावित अंग है दोस्तों आंत। इस क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों कि हैजा रोग के कारण या अन्य रोगों के कारण प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है हैजा रोग के कारण प्रभावित होने वाला अंग क्या है दोस्तों, आंत है। फिर दूसरा अपन देखते हैं प्लेक या प्लेग। जो जीवाणु उपस्थित होती है इसमें पर्सीनिया फेस्टिस, इस रोग का वाहक होता है। वाहक तो नहीं बताया गया है दोस्तों, अर्थात ये चूही से फैलने वाली बीमारी होती है, इसके द्वारा प्रभावित अंग है तीव्र ज्वार व जोड़ों में दर्द। फिर अगला है दोस्तों टिटनेस। इस टिटनेस में कौन सी जीवाणु उपस्थित होती है, बैसिलस टिटैनी। आपको सिर्फ बैसिलस ध्यान रखना है, लास्ट में तो ऑलरेडी लगा हुआ है क्या, टिटैनी, टिटैनी, टिटैनी से क्या हो जाएगा, टिटनेस। आपको नाम याद भी नहीं रहता तो आपको रिलेट कर लेना है कि टिटैनी अर्थात टिटनेस, तो टिटनेस में कौन सी जीवाणु होगी, बैसिलस टिटैनी। इसके द्वारा प्रभावित अंग है दोस्तों तंत्रिका तंत्र या मांसपेशिया। अगला अपन देखते हैं टाइफाइड। इसमें जीवाणु होती है दोस्तों सल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड से टाइफी। इसके द्वारा प्रभावित अंग है दोस्तों आंत। फिर इसी तरह अपना अगला देखते हैं टीवी या क्षय रोग। इसमें जीवाणु होती है माइकोबैक्टीरियम, इसके द्वारा प्रभावित अंग है फेफड़ा। फिर अगला है दोस्तों कोढ़ या कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, तीनों नाम इसी का है।
इसमें जीवाणु होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसके द्वारा प्रभावित अंग है त्वचा या तंत्रिका तंत्र। फिर लास्ट है दोस्तों डिफ्थीरिया, इसमें जीवाणु होती है कोरिन बैक्टीरियम डिफ्थीराई, ये भी नाम से स्पष्ट है डिफ्थीराई से डिफ्थीरिया। इसके द्वारा भी प्रभावित अंग है आंत। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है, यदि आप एक से दो बार देखते हैं तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। कुछ रोग और हैं दोस्तों जो यौन संक्रमित रोग है, ये भी जीवाणु के कारण ही होते हैं। तो आइए देख लेते हैं, दो ही अपने पास सेक्सुअली डिसीज हैं। पहला है गोनेरिया, इसमें जीवाणु होती है नाइसेरिया गोनेराई, नाइसेरिया गोनेरियाई, गोनेरिया से गोनेरियाई। इसके द्वारा प्रभावित होंगे दोस्तों मूत्रमार्ग। अगला है सिफिलिस, इसमें जीवाणु होती है ट्रेपोनेमा पैलेडम, इसके द्वारा प्रभावित अंग है सिस्नुवा योनिफर, लाल रंग के चकते बन जाती हैं। दोस्तों सिस्नुवा योनिफर लाल रंग के चकते बन जाते हैं। तो दोस्तों ये सिफिलिस रोग जो है असुरक्षित यौन संबंध से होता है। तो दो तो अपन ये हो गए यौन संक्रमित रोग जो भी बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ कि आपको यह बैक्टीरिया था तो जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में मैंने बताया, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।